यहाँ सबका पकौड़ी कम पड़ गया है, लड़ाई कर रहे थे, कैमरा ऑन कर दी तो बंद कर दिए। चंदन यहाँ बैठ कर खा रहे हैं, नमस्ते कर लो चंदन। सभी वहाँ से नमस्ते। तो चंदन पीछे कैमरा के बैठे हुए थे। तो हम अंजलि नहाने जा रहे हैं, अंजलि चाय पी ली है, और डाल देते हैं कढ़ाई में, तेल हमारा गर्म हो गया है। नीचे बैठो, शांति से बैठो, तेल में गिर जाएंगे, ये डर नहीं रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज़, आप सबको अच्छा लगेगा। सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं शुरुआत करने के लिए। नमस्ते करो, नमस्ते, नमस्ते करो, नमस्ते। नीति से नमस्ते नहीं करेंगे तो चलते हैं घर पे। निकलो सब जल्दी। तो दोस्तों सब बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, और यहाँ मैं प्याज काट ली हूँ। इतना सारा प्याज है, पूरा अच्छा प्याज काटी थी, तो प्याज को साफ से धो लेते हैं, फिर बारीक काट के। तो यहाँ पर शीतल मिर्ची और लहसुन को पीस रही है, और मैं प्याज को काट रही हूँ। तो बारीक हमें काटना है प्याज को। तो सभी बच्चों के लिए चलती हूँ, अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। यहाँ पहले प्याज को काट लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर प्याज को अच्छी तरह से बारीक काट ली हूँ, और चलते हैं गैस को जला देते हैं। गैस को जला दिए हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, मत बोलो ज्यादा, और नहीं जिसको बोलना है वीडियो में बोलो, बोलना है। देते हैं बेसन को। तो यहाँ लहसुन मिर्ची का पेस्ट है, और ये हरा मिर्ची है, और हरा धनिया काट ली हूँ। अब यहीं पे डाल देते हैं बेसन प्याज के अनुसार। तो बेसन को डाल दी हूँ। यहीं पे एक चम्मच मसाला डाल देते हैं, ये मिक्स मसाला है। सार यहाँ पर नमक को डाल देते हैं, नमक थोड़ा निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से हम बेसन मसाला प्याज को मिला देते हैं। अभी पानी नहीं डाल रहे हैं ताकि नमक अच्छे से घुल जाए। तो यहीं पे पानी डाल के बेसन का घोल बना लेते हैं पेस्ट। तो प्याज का पकौड़ी बनाने के लिए गाढ़ा पेस्ट बनाना है, इसको गीला बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरह हमने प्याज का ये पेस्ट बना के तैयार कर दी हूँ। तो पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, यहीं पे डाल देते हैं रिफाइन का तेल। तो यहाँ पर पकौड़ी को चल रहे हैं छानने, और डाल देते हैं कढ़ाई में। तेल हमारा गर्म हो गया है, तेल में गिर जाएंगे, ये डर नहीं रहे हैं, शांति बना के बैठो। यहीं पे वीडियो बनवा रहे हैं, तेल में गिर जाएंगे तो पकौड़ी सब बेकार हो जाएगा। और कई भाई बहन बोले कि क्यों यहाँ बच्चों को बैठाई हो, तो बच्चे सब हमारे रहते हैं, और ये हमारे ये शायद भांजे लगते हैं। तो दोस्तों बच्चे हैं, बच्चे हमें बहुत, सभी बच्चे प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे। तो यहाँ पर एक घान डाल दी हूँ। पकौड़ी के इंतजार में है, किसके किसके मुंह से पानी आ रहा है पकौड़ी खाने के लिए। गुंजन के आ रहा है, और रितेश नीतीश तुम्हारे भी मुंह में पानी आ रहा है पकौड़ी खाने के लिए। बहुत शोर मचा रहे थे, आप चुप करके बैठे हैं, तो छोटे बच्चे थोड़ा चंचल होते हैं। तो यहाँ पर पहला घान को पलट रहे हैं, तो पकौड़ी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, बहुत अच्छा कलर आया है। देखिए प्याज का गर्मा गर्म पकौड़ी बनके तैयार है। मैं थाली में रख दी हूँ, और अब चलती हूँ दूसरा घान बना लेती हूँ। घान को डाल देती हूँ। तो यहाँ सभी बच्चों को पकौड़ी दे रहे हैं खाने के लिए, सब लोग खा भी रहे हैं। तो यहाँ तो शीतल को दे देते हैं, सबको एक एक दे दी थी, सब लोग खा भी रहे थे, और कटोरी में रख दी हूँ। तो आप सबको बुला रहे हैं खाने के लिए। तो यहाँ सब लोग के कटोरी में रख दी हूँ। शीतल, गुंजन, चांदनी सब लोग खा रही हैं, देखिए मुंह भी चल रहा है सबका जल्दी जल्दी।
पकौड़ी कैसा बना है? अच्छा बनाए हूँ। तो सब लोग पकौड़ी खा रहे हैं, बस कमी यही रह गया है, पकौड़ी के साथ चाय भी चाहिए था, तो चाय नहीं बनाई, सिर्फ पकौड़ी ही खा रहे हैं। तो इसमें चार चंदन का है, चंदन के पापा का भी है, और अभी इनकी मम्मी भी सब खाएंगी, और सबका हिस्सा हिस्सा लगा कर चार चार बचा है, रख देते हैं। और सब लोग खा रहे हैं पकौड़ी, अभी खाते हैं, सबको टाइम लगेगा। तो यहाँ सबका पकौड़ी कम पड़ गया है, लड़ाई कर रहे थे, कैमरा ऑन कर दी तो बंद कर दिए। चंदन यहाँ बैठ कर खा रहे हैं, नमस्ते कर लो चंदन। सभी मास्टर नमस्ते। तो चंदन पीछे कैमरा के बैठे हुए थे तो नहीं दे रही थी, सबसे ज्यादा कमी गुंजन का है और अंजलि का। शीतल तुम्हारा भी कमी है? नहीं। तो जिनका कमी हो बता दो, अभी सभी मामा मौसी दे जाएंगे पकौड़ी ढेर सारा। मांग लो अंजलि पकौड़ी, आज आप सबसे कुछ पहली बार मांग कर रहे हैं, पकौड़ी भेज देना अंजलि के लिए, है ना अंजलि? तो बुआ इनके बैठी हैं सामने तो शर्मा रही हैं, हाँ नहीं बोलना चाहेंगी। चाय पी ली है, अभी गुंजन शीतल सब नहाएंगी, शैम्पू पहले निकाल के रख ली बाल में, नहीं लगा रही है, हाथ में लगा रही है। तो पहले अंजलि को नहला देते हैं, आज थोड़ा धूप निकला है लेकिन हवा बहुत तेजी से चल रहा है हमारे यहाँ, तो अंजलि को नहला देते हैं। अंजलि चुरकी बन गया है ना, अंजलि अभी मुँह पीछे की है, तो अंजलि को नहला देते हैं, फिर हम भी नहाते हैं। तो बाल में कंघी कर लेते हैं जल्दी से, तो अब बाल को कटवाना है, थोड़ा बड़ा हो गया है, अब बड़ा बाल हम रखेंगे नहीं। तो शाम 4 बजे तक धूप रहता है तेजी से, उसके बाद में ठंड बहुत होता है, सुबह शाम ठंड है और रात को भी ज्यादा ठंड रहता है, दिन में पता ही नहीं चलता ठंडी का दिन है। और यहाँ शीतल बोली मम्मी हम घर का सफाई पोछा लगा देंगे, क्योंकि मैं दिखा रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ, जो हो रहा हमारे घर वही काम दिखाती हूँ। और ऐसा कमेंट भी आता है कि दिन भर ब्लॉगिंग करते रहते हो, तो क्या करें, हम सबका यही काम है, ब्लॉगिंग शुरुआत से कर रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं। गुंजन यहाँ पर खड़ी हुई है, गुंजन तुम्हारा कौन सा काम है? बर्तन मांजना इनका। तो कुछ नहीं काम है, बस यही मुर्गियों को देखना और घर देखना, यही काम है घर से। तो दोस्तों यहाँ पर बर्तन मैं धुल ली हूँ, खाना खा ली हूँ, और बर्तन को ले जा रहे हैं, रखते हैं। तो बर्तन को यहाँ पे रख दिए हैं, पोछा तो सुबह ही लगाई थी शीतल, आप सब देखे होंगे। तो यहाँ रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वैसे 4:30 बज गया है, आधा घंटा एक घंटा में बना लेंगे जो भी बनाना होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और थोड़ा ब्लॉगिंग की खाना बनाई, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना, बच्चे भी थोड़े वीडियो में आए, और सब बराबर स्कूल तो जाते हैं, और शाम का टाइम है, वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, अभी एडिट करके भेज देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।